हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवीण शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हमारा लगातार टॉपिक चल रहा है, जो कि भाषा शिक्षण की विधियां, मेथड्स ऑफ सेटिंग लैंग्वेज की, जिसमें कि हम कई विधियों के विषय में समझ चुके हैं, अर्थात विवेचन किया जा चुका है। अनुवाद विधि के विषय में संक्षेप में बता देते हैं। छात्र का मातृभाषा का अधिकार पहले से ही होता है और द्वितीय भाषा सिखाने के लिए उसे दूसरी भाषा में अनुवादित करके सीखना सरल हो जाता है। इस विधि में अन्य भाषा का शब्दशः अनुवाद किया जाता है, अन्य भाषा के व्याकरण की मातृभाषा के व्याकरण के साथ तुलना करके शुद्ध भाषा सीखी जाती है, इसलिए इसे व्याकरण अनुवाद विधि भी कहा जाता है। अनुवाद इस विधि का अथवा प्रणाली का अनिवार्य अंग है। मातृभाषा के अवतरणों का द्वितीय भाषा में अनुवाद करवाया जाता है और इसके अभ्यास द्वारा द्वितीय भाषा के शब्दों एवं वाक्य संरचनाओं का ज्ञान प्रदान किया जाता है। अनुवाद करना एक जटिल कार्य है। अनुवाद करते समय शिक्षार्थी मातृभाषा के शब्दों के आधार पर द्वितीय भाषा के शब्दों को रखने का प्रयत्न करता है, पर सत्य तो यह है कि हिंदी दो भाषाओं के दो शब्द पूर्ण रूप से पर्यायवाची नहीं होते। प्रत्येक भाषा की अपनी सांस्कृतिक परंपरा होती है और इस कारण उस भाषा के शब्दों का अपना विशिष्ट अर्थ होता है, अतः शब्दानुवाद से भावों का ठीक ठीक संश्लेषण नहीं हो पाता है। लेकिन हम देख चुके हैं प्रत्यक्ष विधि के विषय में, प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट विधि के विषय में, इसमें क्या है कि बस जो हिंदी भाषी प्रदेश हैं वहाँ पर छात्रों को इस विधि के माध्यम से सिखाना ज़्यादा आसान रहता है, क्योंकि जब कोई भी वर्णमाला सिखाई जाती है अथवा कुछ शब्दों का ज्ञान कराया जाता है तो चित्रों के माध्यम से दिखाया जाता है और सिखाया जाता है। जैसे वस्तुओं को प्रत्यक्ष रूप में दिखाना, वस्तुओं और जीव जंतुओं का चित्र अथवा प्रतिमान दिखाना, क्रियाओं को करके दिखाना आदि, ये वही प्रारंभ ज्ञान है जो बच्चे को आ से आम और ई से मिली लाकर या चार्ट के साथ इन अक्षरों को लेकर दिया जाता है। यहाँ पर ये बात आ जाती है कि प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग प्रत्येक जगह उचित नहीं हो पाता है, क्योंकि बहुत सी बातें ऐसी हैं जिसमें कि प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता। सौंदर्य कितना है, न्याय, लज्जा, शोक, श्रद्धा आदि शब्दों को प्रत्यक्ष विधि से समझाना बहुत कठिन हो जाता है। नेक्स्ट हम व्याकरण विधि के विषय में भी देख चुके हैं। इसी विषय में कहा जा सकता है संक्षेप में कि व्याकरण पद्धति में सबसे पहले व्याकरण का ज्ञान करवाया जाता है, जैसे कि वाक्य बनाने के लिए संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण कारक आदि का ज्ञान कराया जाता है। उसके बाद जो है वाक्य बनाने सिखाए जाते हैं। इस पद्धति का व्यवहार संस्कृत आदि पढ़ाने के लिए किया जाता है। कुछ विद्वानों का कथन है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में पढ़ाते समय व्याकरण विधि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। व्याकरण विधि में सरलता नहीं होती और इस कारण से छात्र जो है उसमें रुचि नहीं लेते हैं। इसी के साथ हमने नेक्स्ट देखा संगठनात्मक विधि। इसमें बताया गया है कि जो कोई भी घटना के कारण ये विधि का जन्म हुआ और शब्दावली पर बहुत बल देने की जगह संगठना पर बल देना और स्वाभाविक संवादों द्वारा मौखिक कथनों द्वारा अभ्यास विधि की विशेषता है। आरंभ में इसे सेना विधि कहा जाता है, क्योंकि द्वितीय महायुद्ध के समय अमेरिकन सैनिकों को द्वितीय भाषा सिखाने के लिए इस विधि का प्रयोग किया गया। मौखिक अभ्यास पर बल देने से इसे सुलभ व्यवहार विधि भी कहते हैं। भाषा विज्ञान का आधार होने के कारण इसे भाषा वैज्ञानिक विधि भी कहा जाता है। इसी के साथ हम रूप गठन विधि के विषय में भी देख चुके हैं। इसके अंतर्गत संक्षेप में कह सकते हैं कि हिंदी में संज्ञा के लिंग का प्रभाव क्रिया पर पड़ता है, जो बात अन्य भारतीय भाषाओं में नहीं है। इसी कारण से कहा जाता है कि हिंदी का रूप गठन बच्चों को बताना चाहिए, अतः हिंदी की वाक्य संरचना छात्रों के सामने अवश्य रखी जानी चाहिए। जैसे कि कहा जा सकता है इस विषय में कि मोहन स्कूल गया संज्ञा एकवचन बोलने का शब्द है, वाक्य है। राधा स्कूल गई संज्ञा एकवचन स्त्रीलिंग का वाक्य है। मोहन और राधा स्कूल गए संज्ञा बहुवचन का है। यहाँ पर जो है लिंग के अनुसार क्रिया भी बदल गई है। नेक्स्ट हम देख चुके हैं वैश्विक विधि के विषय में। इस पद्धति को भी डॉक्टर वैश ने अंग्रेजी पढ़ाने हेतु विकसित किया। इस पद्धति में शिक्षण वाचन से प्रारंभ होता है। वैश की दृष्टि से किसी भी नई भाषा का पढ़ाना सीखना या वाचन सीखना सबसे कठिन है। भाषा का बोलना और लिखना सीखना सरल होता है,
वैसे विधि में वाचन लिखन तथा वार्तालाप की शिक्षा पृथक पृथक विधियों द्वारा दी जाती है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से वाचन लेखन और वार्तालाप को साथ साथ ही सिखाया जाना चाहिए, पृथक पृथक नहीं। कहीं कहीं आवश्यकता पड़ने पर इसमें अनुवाद विधि का भी सहारा लेना चाहिए। इसी के साथ अब हम देखेंगे संरचनात्मक विधि के विषय में। शिक्षण में संरचनात्मक विधि का बहुत उपयोग होता है और कुछ विद्वान अन्य भाषा के रूप में हिंदी शिक्षण के लिए भी इस विधि को उपयुक्त बताते हैं, अर्थात ठीक बताते हैं, अच्छा बताते हैं। इस विधि के आधारभूत सिद्धांत हैं, मौखिक कार्य को भाषा शिक्षण का आधार बनाया जाए, वाक्य की रचनाएं इनके रूप के आधार पर चयन की जानी चाहिए, अर्थ के आधार पर नहीं की जानी चाहिए, शब्दों की व्याख्या और वाक्यों के गठन को कंठस्थ करा देना चाहिए, छात्र के भाषा अधिगम के लिए स्वतः सक्रिय होना पड़ता है, निश्चितता भाषा अधिगम में बाधक है, कक्षा में अन्य भाषा का उपयोग अधिक होना चाहिए, संरचनाओं का स्थिरीकरण कर लेना चाहिए अर्थात स्तर के अनुसार होनी चाहिए, सरल कठिन और क्रमशः होनी चाहिए, छात्रों की उच्चारण संबंधी व्याकरण संबंधी एवं अर्थ संबंधी कठिनाइयों का भी स्थिरीकरण कर लेना चाहिए, शब्दावली सीमित होनी चाहिए, उसे नियंत्रित करना आवश्यक है। भाषा शिक्षण का अर्थ है कौशलों का अर्जन, न कि सूचना पहचान या जानकारी मात्र, अतः संरचनाओं का अभ्यास बहुत आवश्यक हो जाता है। इसी के अंतर्गत हम देखेंगे संरचनात्मक विधि सेकंड, यानी कि हिंदी प्रदेशों में हिंदी सिखाने के लिए कुछ सीमा तक उपयुक्त की जा सकती है, किंतु इनका अधिक उपयोग लाभप्रद नहीं है। इसमें शब्द रचना पर ध्यान नहीं दिया जाता, जिससे शब्द भंडार को बढ़ाने का द्वार ही बंद हो जाता है। इस विधि में मौखिक कार्य पर अधिक बल दिया जाता है या बल देने से भाषा के अन्य अंग अपेक्षित या उपेक्षित रह जाते हैं। अन्य भाषा शिक्षण का उद्देश्य भाषा को धारावाहिक रूप में बोलना न होकर अर्थ ग्रहण करना होता है, अतः मुख्य आवश्यकता पढ़ने लिखने की है, किंतु इन कौशलों की उपेक्षा हो जाती है। संरचनात्मक पाठों में निरंतरता आती है, भाषा के प्राकृत और कलात्मक रूपों की एक तरह से कहें तो उपेक्षा हो जाती है। संरचनात्मक वाक्यों के रूप में भाषा का विकृत रूप में छात्रों के समक्ष प्रेषित करना उचित नहीं है। वाक्यों की संरचनाओं के रूप में गठन को ध्यान में रखना और अर्थ को अपेक्षित करना भूल है। गिरा और अर्थ जल बीज के समान अभिन्न है। एक ही संरचना के प्रयोग की अनेक परिस्थितियां होती हैं और एक को सीख लेने से दूसरी स्वतः नहीं आ जाती। वह बालक, वह अस्वस्थ है, वह सुंदर है, एक ही संरचना के वाक्य हैं, किंतु उनके प्रयोग अनेक हैं। यही बात शब्दों व वाक्यांशों के लिए लागू होती है। चलते चलते धीरे धीरे पके पके जैसे शब्द कार्य की अतिशयता अथवा कार्य न होने अथवा कार्य के न होने अर्थ की रीति अथवा वर्गीकरण के द्योतक हैं, अतः उन्हें अलग बिंदु माना जाएगा, न कि एक संरचना। इन कारणों से कुछ विद्वानों ने संरचनात्मक प्रणाली को अन्य भाषा शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं माना है। संरचनात्मक विधि में प्रत्यक्ष विधि के अनेक गुण विद्यमान रहते हैं, अनुवाद विधि का भी अपना एक तरह से कहीं उसमें स्थान है। कहीं कहीं मातृभाषा का प्रयोग अनिवार्य रूप से करना पड़ता है, अतः उनके प्रयोग से विरोध करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आज अन्य भाषा शिक्षण में द्विभाषीय आयाम की अधिक आवश्यकता और चर्चा है। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि मातृभाषा का समुचित उपयोग करते हुए भाषा के सभी कौशलों के अर्जन के लिए अन्य भाषा सिखानी है और इसके लिए कोई एक ही विधि उपयुक्त नहीं हो सकती। कभी कभी कई विधियों का प्रयोग एक साथ करना पड़ सकता है और शिक्षण भाषा पर अच्छा अधिकार हो जाता रहना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अब इसी के साथ हम नेक्स्ट देखेंगे मौखिक विधि। इस विधि में छात्रों को बोलने और वार्तालाप करने के विशेष अवसर मिल जाते हैं, कक्षा में सजगता रहती है और छात्रों में उत्साह मनोवैज्ञानिक गेस्टाल्ट पूर्णता में अधिक विश्वास रखता है, अर्थात वाक्य पहले सिखाए जाते हैं। राष्ट्रभाषा में बोलना सिखाने से उच्चारण भी सिद्ध होता है,
तथा राष्ट्र भाषा का अच्छा अधिकार हो जाता है। अनुवाद पद्धति के दोष भी इस पद्धति द्वारा कम किए जा सकते हैं। इसी के साथ हमें ये देखना अनिवार्य हो जाता है कि अहिंदी प्रदेशों में हिंदी शिक्षण की क्या व्यवस्था है। शिक्षा का उत्तरदायित्व प्रदेश की सरकार का है, इसलिए प्रत्येक प्रदेश में अपने अपने ढंग से हिंदी शिक्षण की व्यवस्था है। छोटी आयु में यानी कम आयु में भाषा का सीखना सरल होता है, अतः हिंदी को द्वितीय भाषा के रूप में शिक्षण व्यवस्था अहिंदी प्रदेशों में स्थापित की जानी चाहिए। परंतु विभिन्न प्रदेशों में हिंदी शिक्षण की व्यवस्था विभिन्न स्तरों से प्रारंभ हो जाती है या की जाती है। इसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है, जैसे कि हम देख रहे हैं बंगाल, मुंबई तथा असम में कक्षा पांचवीं से हिंदी भाषा प्रारंभ की जाती है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं मद्रास, कश्मीर और आंध्र प्रदेश में छठी कक्षा से हिंदी भाषा पढ़ाई जाती है। केरल में आठवीं कक्षा से हिंदी भाषा पढ़ाई जाती है। मैसूर में नवीं कक्षा से हिंदी भाषा पढ़ाई जाती है। इन सभी प्रदेशों में हिंदी ऐसी विषय के रूप में पढ़ाई जाती है। शीघ्र से शीघ्र हिंदी को अन्य प्रदेशों में अनिवार्य विषय का स्थान दिलाया जाना चाहिए, जैसे कि इसकी व्यवस्था ठीक प्रकार से हो। हिंदी की शिक्षा की राज्यों में कक्षा 3 से अवश्य प्रारंभ कर देनी चाहिए, जो भी हिंदी भाषी राज्य हैं उनमें, और अनिवार्य कर देनी चाहिए रूस में रूसी द्वितीय भाषा के रूप में तीसरी कक्षा से, तथा यूरोपीय राज्यों में अन्य भाषा की शिक्षा तीसरी या चौथी कक्षा से प्रारंभ की जाती है। कहने का तात्पर्य ये है कि प्रथम क्लास से या फर्स्ट क्लास से किसी भी स्थान पर ये जो है शुरू नहीं की जाती है। सरकार की कोई भी योजना तभी सफल होगी जब हिंदी विरोधी प्रदेशों का हृदय जीता जाए, उनका मन स्वीकार कर ले कि देश के गौरव तथा एकता की रक्षा के लिए वे हिंदी अवश्य सीखेंगे। हिंदी को विषय करने वाले या प्रचार करने वाले अहिंदी प्रदेशों पर इसे रोकने का प्रयास ना करें, उनके सहयोग से ही इसमें सफलता मिल सकती है। और जहाँ तक है कि हिंदी को लोकप्रिय बनाने हेतु केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, हिंदी टेली संस्था को एकजुट होकर कार्य करना चाहिए और महत्वपूर्ण विधियों का प्रयोग करके उसे सफल बनाया जाना चाहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।